नमस्कार साथियों, और हाजिर हूँ मैं आपके लिए पशुपालन विभाग से जुड़ी बहुत ही अच्छी खबर को लेकर। पशुपालन विभाग एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड आज की न्यूज आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो पशुपालन विभाग से जुड़े हुए सभी जो साथी हैं उनके लिए। पशुपालन मंत्री श्री जोराराम जी कुमावत द्वारा ये निरीक्षण किया गया है पशुपालन विभाग का, और जो भी बैठक हुई है, जो भी राज्यसभा की जो बैठकें हुई में उसमें जो भी चर्चा की गई है, नए भर्तियों को लेकर, भवनों को लेकर, जो भी कर्मचारी है उनको लेकर, यानी कि आगामी दिनों में क्या क्या होने वाला है पशुपालन विभाग में उससे रिलेटेड। तो साथियों, पूरी जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि पशुपालन मंत्री श्री जोराराम जी द्वारा का क्या कहा गया है नए भर्तियों से लेकर, भवनों को लेकर, या फिर कर्मचारियों से लेकर, जो भी पशुपालन विभाग की गतिविधि है उनको लेकर। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको समय पर जरूर मिले। तो लीजिए साथियों, शुरू करते वीडियो को। और साथियों, पशुपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने पशुपालन निदेशालय का किया निरीक्षण। अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर कार्य योजना बनाने के लिए निर्देश, और जो पूर्ववर्ती सरकार द्वारा घोषित पशु चिकित्सा उपकेंद्रों में भवन एवं अन्य कमियों को दूर करेंगे पशुपालन मंत्री। यानी कि पशुपालन मंत्री द्वारा पशुपालन निदेशालय का निरीक्षण किया गया है, और जो भी अधिकारी है उनको कहा गया है कि प्राथमिकता के आधार पर जो भी कार्य योजना है उसको बनाई जाए, और पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जो भी घोषणा की गई है पशु चिकित्सा उपकेंद्रों और भवनों के, उनको लेकर और जो अन्य कमियां है उनको पूरा करने को लेकर ये निर्देश दिए गए हैं सभी कर्मचारियों को। और क्या क्या निर्देश है और क्या पूरी खबर है, तो सबसे पहले तो 30 जनवरी को पशुपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने कहा कि वर्ष 2023 में तत्कालीन सरकार के समय 2639 पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोलने की घोषणा की गई थी, जिसमें से 900 उपकेंद्र ही खोले गए हैं। ध्यान देना साथियों, ये 30 जनवरी की बैठक हुई थी, उसमें कहा गया है कि जिसमें 2639 जो पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोलने की योजना की गई थी उसमें से 900 उपकेंद्र ही खोले गए हैं, और पशु चिकित्सा उपकेंद्रों को खोलने एवं इन्हें पशु चिकित्सालय में कर्मरत करने की घोषणा में भवन निर्माण के प्रावधान नहीं किए गए, केवल उनको ओपन किया जाएगा ऐसा प्रावधान है। और राज्य सरकार बजट एवं भवन आदि की कमियों को दूर करते हुए इस संबंध में प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करेगी। यानी पशुपालन विभाग में ये चर्चाएं शुरू होने लग गई हैं कि जो नए भवन है बहुत ही जल्द बनेंगे, और जो भी नए उपकेंद्र है वो भी बहुत ही जल्द खुलेंगे। पशुपालन मंत्री मंगलवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा पशु चिकित्सा अधिकारियों के 900 पदों पर सीधी प्रयुक्ति प्रक्रिया जो न्यायालय के रोक में है, इसके हृदय प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी, और उन भर्ती प्रक्रिया जो है अभी साथ उनके इंटरव्यू चल रहे हैं। जो 900 पशु चिकित्सा अधिकारी जो भर्ती है उनके अभी इंटरव्यू चल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि पशु परिचर के 5,934 पदों पर सीधी भर्ती के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा संशोधित विज्ञप्ति जारी कर 19 जनवरी 2024 से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। यानी कि आवेदन इसके भी शुरू हो चुके हैं 5,934 पदों के, ठीक है साथियों, जिसके 17 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। और इससे पहले जो विधायक श्री रोहित बोहरा के मूल प्रश्न के लिए लिखित जवाब में श्री कुमावत ने विधानसभा क्षेत्र राजाखेड़ा में पिछले 5 वर्षों में स्वीकृत एवं कर्मरत पशु चिकित्सा संस्थाओं का विवरण सदन के पटल पर रखा है, और उन्होंने बताया कि राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में 23 नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले गए हैं। पशु चिकित्सा उपकेंद्र को पशु चिकित्सालय, और जो एक पशु चिकित्सा उपकेंद्र है उसको पशु चिकित्सालय में, और 2 पशु औषधालय को पशु चिकित्सालय में, और 1 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय को बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालय में कर्मरत किए गए हैं, ठीक है साथियों। और पशुपालन मंत्री ने बताया कि वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र राजाखेड़ा के प्रत्येक ग्राम पंचायत में पशु चिकित्सा संस्थाएं स्वीकृत हैं, ठीक है साथियों। और उन्होंने बताया कि पशु चिकित्सालय
आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर खोले अथवा कर्मबंद किए जाते हैं। और इसके बाद में यह निदेशालय का जब निरीक्षण किया गया तो उस समय क्या चर्चा की गई, ये देखिए साथियों। तो पशुपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने पशुपालन निदेशालय का किया निरीक्षण, अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर कार्य योजना बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। ये इम्पोर्टेंट है साथियों, इसमें विभाग से लेकर पूरी चर्चा की गई है, जिसमें ये 21 जनवरी को हुई थी बैठक, जिसमें पशुपालन गोपालन एवं देवस्थान मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने बुधवार को पशुपालन निदेशालय का निरीक्षण किया। श्री कुमावत ने निदेशालय के सभी प्रखंडों का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की। यानी कि पशुपालन विभाग भी अब अलर्ट में आ गया है, जो भी कार्य योजना है अब उनको जल्दी से जल्द पूरे किए जाएंगे। जो भी कार्य योजना है उसका निरीक्षण किया गया है और अब बहुत ही जल्द पशुपालन विभाग में भी बहुत कुछ होने वाला है साथियों। और इस अवसर पर उन्होंने सभी जिलों में जिला स्तरीय पशु मेले का आयोजन, पशुधन सहायकों की नियुक्ति, ठीक है साथियों, जो 2022 के भर्ती पेंडिंग में है उनकी भी चर्चा की गई है। 2022 के भर्ती की जो अभी पेंडिंग में उनकी चर्चा हुई है, जिसमें उन्होंने कहा गया कि पशुधन सहायकों की नियुक्ति और पशुधन भवन के निर्माण के लिए प्राथमिकता से कार्य योजना तैयार करने के निर्देश प्रदान किए हैं। एक तो जिला स्तरीय पशु मेले, दूसरा पशुधन सहायकों की नियुक्ति और तीसरा पशुधन भवन के निर्माण के लिए। बहुत ही जल्द हेरा फेरी होने वाली है पशुपालन विभाग में। और उन्होंने कहा कि जो मेले पहले से चले आ रहे हैं उन्हें जारी रखते हुए जिला स्तरीय मेलों का आयोजन साल में एक बार होना चाहिए। यानी कि जितने भी जिले हैं उन सभी जिलों में पशु मेला लगना चाहिए और जो पहले से चल रहे हैं उनको चलते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पशुपालक अपने पशुओं के साथ लंबी दूरी के लिए नहीं जा सकते, इसलिए जिला स्तर पर मेले का आयोजन पशुपालकों के लिए बहुत सुविधाजनक और लाभदायक तो होगा ही, साथ ही विभाग का भी प्रचार प्रसार होगा, ठीक है साथियों। तो प्रत्येक जिले में पशु मेला रखने की भी बात की गई है इसमें। और उन्होंने नवसर्जित पशु चिकित्सा उपकेंद्रों के लिए भवन निर्माण करवाया जाकर सुचारू रूप से संचालित किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। जो 2000 प्लस जो पशु उपकेंद्रों का जो घोषणा की गई है उनके भवन बहुत ही जल्द बनाकर उनको सुचारू रूप से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी पशु चिकित्सा संस्थाओं में पशुधन निःशुल्क दवा योजना के तहत औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करावे, ताकि गरीब पशुपालकों को समुचित लाभ मिल सके। जो निःशुल्क दवा मिलती है उनके भी अब भरपूर भरपाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमें आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखकर पहले से ही योजना बना लेनी चाहिए। यानी कि पशुपालन विभाग भी अब अलर्ट मोड में आ रहा है साथियों। सरकार होनी चाहिए तो ऐसे होनी चाहिए भजन लाल जैसी, ठीक है साथियों। मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी के बहुत ही अच्छे सरकार आई है बीजेपी की, जिन्होंने शुरू शुरू में कई सारे कदम उठाना शुरू कर दिए है और पशुपालन विभाग भी अब अलर्ट मोड में आ रहा है। राज्य स्तर पर आयोजित SLEC की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के अंतर्गत उद्यमिता विकास योजना का लाभ अधिकाधिक पशुपालकों को मिल सके, इसके लिए विशेष प्रयास करने की भी आवश्यकता है। और आखिर में उन्होंने कहा कि पशुपालन के क्षेत्र में दोहन की अपार संभावनाएं हैं और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसे व्यवसाय के तौर पर अपनाए जाने की आवश्यकता है। देसी गोवंश के मामले में राजस्थान समृद्ध है, क्योंकि यहाँ के देसी नस्लों को हर परिस्थिति में पाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार देसी गोवंश के संरक्षण और संवर्धन में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आप साथियों, देसी जो गोवंश है उनको भी आगे बढ़ाने की पूरी चर्चा चल रही है। उन्होंने युवाओं से भी इस क्षेत्र में आगे आने का आह्वान करते हुए उनसे स्टार्टअप शुरू करने की बात कही। यानी कि वो देसी गोवंश में भी अपना डेयरी फार्म शुरू कर सकते हैं, बहुत सारी अपार संभावनाएं है इसमें। पशुपालन मंत्री ने इस अवसर पर RLDB अमृता देवी जीव जंतु कल्याण बोर्ड और गोपालन निदेशालय का भी निरीक्षण किया और इस अवसर पर सभी जो भी अधिकारी थे वो उपस्थित थे। ये है साथियों पशुपालन विभाग के आज की मुख्य खबर आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट, जिसमें अब बहुत ही जल्द पशुपालन विभाग में भी अब ये हलचल होने शुरू हो गई है और कई सारे अब
आपके लिए न्यूज आती रहेगी, नए भर्तियों से लेकर, नए भवनों को लेकर, जो भी संस्था है उनको लेकर। ठीक है साथियों, आज के ये पशुपालन विभाग की न्यूज देखकर मैं भी बहुत खुश हुआ हूँ और आप सभी के लिए भी बहुत अच्छी है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर जाना, और भी कुछ कमेंट है तो आपका जरूर करके जाए, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।